मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स, जहाँ पे सपने देखने वालों का सपना पूरा होता है। मिलीनियर एंड बिलीनियर का शहर है मुंबई। मुंबई द सिटी दैट नेवर स्लीप, ये शहर कभी सोता नहीं है। मेहनती और टैलेंटेड लोगों का सपनों का पूरा करने वाला शहर है मुंबई। पुर्तगाली से लेकर ब्रिटिश राज तक, बॉम्बे से लेकर मुंबई तक, ये शहर बहुत ही पुराना है। और आज के समय में मुंबई पूरी दुनिया का सबसे तेजी के साथ विकसित करने वाला शहर है। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल से लेकर बिजनेस कैपिटल तक, इंडिया से हाईएस्ट टॉलेस्ट टावर से लेकर सबसे एक्सपेंसिव हाउस तक, म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक, बिजनेस सेक्टर से लेकर आईटी हब तक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर इंजीनियरिंग हब तक, टॉलेस्ट स्क्रैपर से लेकर मल्टीप्लेक्स मॉल तक, मेट्रो से लेकर मोनोरेल तक, पाव भाजी से लेकर पिज्जा तक, न्यूज हब से लेकर पॉलिटिकल हब तक, मोस्ट एक्सपेंसिव होटल से लेकर क्रूज तक, मराठी मानुस से लेकर मुंबई गेट तक, सपनों को देखने से लेकर सपनों को पूरा होने तक मुंबई वन एंड ओनली डेस्टिनेशन है। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं मुंबई को और जानते हैं मुंबई से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता हो। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंडियन स्टेट महाराष्ट्र की राजधानी और इंडिया का फाइनेंशियल एंड बिजनेस कैपिटल है मुंबई, जो अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। मुंबई इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है और यहाँ के पॉपुलेशन करीब लगभग 2 करोड़ के आसपास है। मुंबई इंडिया का सबसे रिचेस्ट सिटी मतलब धनी शहर है और मुंबई की जीडीपी 400 बिलियन USD है, जो कई सारे देश की जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, क्या आपको पता है आज के मुंबई शहर 7 अलग अलग आइलैंड पर बसा हुआ है, जिसमें लिटिल कोलाबा, माहिम, पारेल, माजागांव, वारली शामिल है। मुंबई का नाम पहले बॉम्बे था, जिसे पुर्तगाल ने दिया था। 1995 में जब शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बनाया, तब बॉम्बे से ऑफिशियल नेम मुंबई रख दिया गया और मुंबई नाम भी मुंबई देवी भगवान से लिया गया है। और मुंबई के अंदर रहने वाले लोग अपने आप को मुंबईकर नाम से बुलाते हैं। इसके अलावा मुंबई इंडिया का वन ऑफ द हेल्पफुल सिटी भी है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ ट्रेवलर्स, मुंबई के लोग बहुत ही हेल्पफुल एटीट्यूड रखते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया में सबसे पहले पर्सनल कार मुंबई में ही खरीदा गया था। 1901 में जमशेद जी टाटा ने इंडिया में सबसे पहले गाड़ी खरीदा था। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे पहले ट्रेन मुंबई में ही चालू हुआ था। 16 अप्रैल 1953 में इंडिया में सबसे पहले लोकल ट्रेन को चलाया गया था। मुंबई सेंट्रल से थाने के बीच इस ट्रेन को चलाया गया था। पहला कार और पहला ट्रेन ही नहीं, इंडिया में सबसे पहले आम लोगों के लिए पब्लिक बस सर्विस भी मुंबई में ही चली थी। तब से आज तक हर दिन 5 मिलियन पैसेंजर बस से ट्रेवल करते हैं। मुंबई का लिस्ट काफी लंबी है। क्या आप बता सकते हैं इंडिया में सबसे पहले एयरपोर्ट कहाँ पे चालू हुआ था। मुंबई का जुहू एयरडोम इंडिया का पहला एयरपोर्ट है, जिसे 1928 में ओपन किया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है मुंबई टू पुणे रेल लाइन 1863 में एक महिला ने बिल्ड किया था, जिनका नाम है एलाइस ट्रेडवेल। मुंबई देश का फाइनेंशियल कैपिटल है और सबसे धनी शहर है। देश में ज्यादातर मिलीनियर एंड बिलीनियर मतलब ज्यादातर लाखों करोड़पति लोग मुंबई में ही रहते हैं, जिनमें से कुछ लोग विश्व का सबसे धनी लोगों के टॉप 20 के लिस्ट में शामिल है। इनमें से एक है मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्री के ऑनर भी है। उनकी द्वारा बनाई गई दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस एंटीलिया मुंबई में ही मौजूद है। मुकेश अंबानी एंड उनकी फैमिली इस लग्जरी हाउस में ही रहते हैं और ये दुनिया का चुनिंदा कुछ महंगी घरों में से एक है, जिसकी कीमत है 2 बिलियन USD, मतलब करीब 12,000 करोड़ रुपए। मुंबई के बांद्रा वाली सीलिंग, जो राजीव गांधी सीलिंग नाम से भी जाना जाता है, समुद्र पर बना ये ब्रिज एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसकी लेंथ करीब 5.6 किलोमीटर की है। 90,000 सीमेंट एंड स्टील से इस ब्रिज को बनाया गया था। मुंबई के बात करें और डब्बे वाला ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मुंबई में ये एक बहुत ही यूनिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे घर पे बनाया गया खाना समय पर ऑफिस, स्कूल, कॉलेज तक अपने अपने लोगों तक पहुँचाया जाता है। मुंबई के डब्बे वालों को लेकर कई सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुके हैं। मुंबई बिना थकने वाला एक शहर है। रात हो या दिन, शहर की रफ्तार हमेशा चलती है और इसलिए मुंबई को सिटी दैट नेवर स्लीप नाम से भी जाना जाता है। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी रोजाना मुंबई आते हैं अपने सपनों को पंख लगाने के लिए। मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, बिजनेस, आईटी हब, फिल्म सिटी हब, सारी मैनेजमेंट की ऑफिस ज्यादातर हेडक्वार्टर मुंबई में ही मौजूद है। इसके अलावा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी मुंबई में ही मौजूद है। इसके चलते लाखों करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आते हैं, क्योंकि सभी के होप और लास्ट डेस्टिनेशन है मुंबई। हर कोई अपने अपने फील्ड पे एक नया पहचान बनाना चाहता है। उन सभी का सपना पूरा करने वाला शहर है मुंबई। मुंबई शायद इंडिया का अकेला ऐसा लौता शहर है जिसको लेकर ना जाने कितने सारे मूवीज बन चुके हैं, क्योंकि मुंबई में ही मौजूद है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है और इसलिए ज्यादातर फिल्म एक्टर भी मुंबई में ही रहते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से हर साल करोड़ों रुपए की टर्नओवर मिलता है मुंबई को। मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल, कॉमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल है। मुंबई में कैसर ग्लोबल कंपनीज की हेडक्वार्टर मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, टाटा इंडस्ट्री, कैसर बैंक की हेडक्वार्टर, जी टेवर एस एंड मेनी मोर, इन सब के वजह से ही मुंबई की जीडीपी हमेशा ग्रो कर रहा है।
मुंबई में रहने वाले लोग मुंबईकर मुंबई को आमची मुंबई, मुंबई मेरी जान जैसे वर्ड को यूज करते हैं, जो दिखाता है मुंबई को लेकर लोगों का यूनिटी और प्यार। आमची मुंबई एक मराठा वर्ड है जिसका मतलब है मेरा शहर है मुंबई। अगर कल्चर की बात करें तो मुंबई में सबसे बड़ा त्योहार है गणेश पूजा। मराठियों के अलावा भी लगभग सभी लोग हर घर में गणेश पूजा करते हैं। इसके अलावा पूरे मुंबई में बहुत ही धूमधाम के साथ गणेश पूजा मनाए जाते हैं, जहां पे बड़े बड़े गणेश मूर्ति दिखे जाते हैं। इस समय हजारों लाखों लोग मुंबई के बिजी सड़क पर उतर आते हैं। इसके अलावा ईद, क्रिसमस, दिवाली हर एक त्योहार को मनाया जाता है मुंबई में। दोस्तों, मुंबई कॉस्मो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहां पे बहुत ही तेजी के साथ शहर का डेवलपमेंट हो रहा है। आपको पता है देश में सबसे ज्यादा हाई राइज स्काईस्क्रैपर मुंबई में ही मौजूद है। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर्स, क्या इसे देखकर न्यूयॉर्क शहर का फील नहीं हो रहा? पूरे मुंबई शहर में एक के बाद एक न्यू टॉलेस्ट टावर का निर्माण हो रहा है। इन सारे बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद मुंबई शहर का लुक ही चेंज हो जाएगा। दोस्तों, मुंबई में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट वर्ल्ड वन टावर इंडिया का सबसे ऊंचा टॉलेस्ट टावर है, जो पहले 120 फ्लोर तक होने वाला था, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के वजह से प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया है। अभी 85 फ्लोर तक ये बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मुंबई में अपकमिंग कई सारे टॉलेस्ट टावर बनने वाले हैं। मुंबई में बन रहा ये सारे टॉलेस्ट बिल्डिंग बहुत ही एक्सपेंसिव है। यहाँ पे एक एक फ्लैट की कीमत 100 से 120 करोड़ तक है। इन सारे प्रोजेक्ट को लेकर मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में कई सारे वीडियोस बनाया है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर हम सुपर कार की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियां मुंबई में ही चलती है, क्योंकि यहाँ पे मिलीनियर बिलीनियर की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, मुंबई की हीरा नंदिनी एरिया वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड क्लीनेस्ट एंड ब्यूटीफुल एरिया है, जहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मुंबई, मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन की कोई कमियां नहीं है। शहर वेल कनेक्टेड है मेट्रो से, लोकल ट्रेन है, फेरी सर्विस अवेलेबल है, मोनोरेल एंड बस सर्विस, टैक्सी, ऑटोज हमेशा अवेलेबल होती है। लोग अपने सुविधा के अनुसार ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। मुंबई सबर्बन रेलवे वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, जहां से हर दिन 7.5 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। मुंबई के लोकल ट्रेन को मुंबई का लाइफलाइन भी कहा जाता है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जहां से सालाना लाखों लोग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। ऐसे तो मुंबई के हर गली में लोकल स्ट्रीट फूड की कोई कमियां नहीं है। इसमें पाव भाजी सबसे फेमस एंड टेस्टी फूड है, जो आपको हर जगह पे मिल जाएगा। इसके अलावा बिरयानी, बन मस्का, तंदूरी, कबाब जैसे खाना तो है ही। पूरे मुंबई में हजारों ऐसे होटल्स एंड रेस्टोरेंट मौजूद है, जहां पे अलग अलग वैरायटी के खाने के लिए स्पेशलिटी है। मुंबई में केसर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मौजूद है, जिनमें से एक है मुंबई सेंट्रल स्टेशन। मुंबई में होटल्स की कोई कमियां नहीं है। 3 स्टार से लेके 5 स्टार तक लग्जरी होटल शामिल है, लेकिन आदर्श सागर के किनारे बिल्कुल मुंबई गेट के सामने शान से खड़ा हुआ होटल ताज वन ऑफ द फेमस होटल है इंडिया का, जो बहुत ही पुराना है। ऐसे तो मुंबई के अंदर बहुत से ऐसे जगह है जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। गेटवे ऑफ मुंबई से लेके संजय गांधी नेशनल पार्क तक, मुंबई देवी मंदिर से लेके हाजी अली दरगाह तक, वैक्स म्यूजियम से लेके सिद्धिविनायक टेम्पल तक, एलिफेंटा केव से लेके नेशनल म्यूजियम तक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेके नेहरू सेंटर तक, तारेपुरे वाला एक्वेरियम से लेके जीजाबाई भोसले जू तक, जुहू बीच से लेके मेरीन ड्राइव तक, छोटा कश्मीर से लेके वाले सी फेस तक, हैंगिंग गार्डन से लेकर मुंबई फिल्म सिटी तक, ये मुंबई की अलग अलग वेरियंट है। मुंबई एक सपनों का शहर है, या फिर यूं कहें कि ये सपना पूरा करने वाला शहर है। आपको मुंबई की कौन सी चीज़ पसंद है? मुंबई को लेकर आप अपना लव, इमोशन, एक्साइटमेंट, स्टोरी को हम सबसे कमेंट पर जरूर शेयर करें। आई होप आपको मेरे साथ आमची मुंबई को वर्चुअल एक्सप्लोर करके मजा आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।